सरिस्का अभ्यारण्य अलवर जिले में स्थित है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर जो कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है। ये दोस्तों ऊपर की ओर है पांडुपोल जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ भी आपको काफ़ी भीड़ नज़र आएगी। हालांकि बरसात ज़्यादा है तो हो सकता है ऊपर की ओर लोग कम हो, तो ज़्यादा दूरी नहीं है, तो आप यहाँ जब भी आते हैं तो यहाँ पोल के दर्शन जरूर करें। ये पांडुपोल जो है उसी पोल की वजह से जाना जाता है। तो इसकी कहानी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ, हालांकि बारिश हो रही है, कहीं ये कैमरा हमारा गायब ना हो जाए। कहानी जो है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय जो है वो यहाँ गुजारा था और कुछ समय यहाँ रहे थे। तो जब इस पहाड़ी को पार करने लगे तो दो पहाड़ियों का जोड़ बीच में आ गया और पांडवों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। तो भीम को अपने बल और पर अभिमान था ही, तो उसने कहते हैं कि अपने गदा के प्रहार से और पहाड़ी के बीच में से रास्ता बना दिया, जो कि आज भी बिल्कुल रास्ते की तरह बना हुआ है, उसे कहते हैं पोल, और वो पांडवों की वजह से पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। अभी मैं और पीहू पांडुपोल की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं पीहू? पांडुपोल की तरफ जा रहे हैं। यहाँ क्या है? भीम ने यहाँ गदा के प्रहार से और पहाड़ी के दो टुकड़े कर दिए थे, तो ये जाने का रास्ता है इस तरफ से, और ये पार्टी पीछे की तरफ। पांडुपोल की तरफ जोर से बोले एक बार। हम जा रहे पांडुपोल की तरफ। वेरी गुड। यहाँ एक प्राचीन मंदिर बना हुआ है, ये आने का रास्ता है, और यहाँ परमानंदेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है, ऊपर चित्रकूट आश्रम है अनुसुईया का, ये जाने का रास्ता है, जो कि यहाँ चेतावनी भी दी गई है दोस्तों। तो यहाँ गाड़ी बाइक वगैरह आप लेके आएंगे तो यहीं तक आएगी, इस प्राचीन मंदिर तक। अब आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा, रास्ता जो है वो पथरीला है, और सामने से जो दोस्त आ रहे थे उन्होंने बताया कि सर यहाँ से 2 किलोमीटर है पूरा, तो लोग वहाँ काफ़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अपने भी चलते हैं। आप देखेंगे तो सामने चेतावनी दे रखी है, बालू विचरण क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा हो, तो यहाँ ये रही, ये अच्छे से लिख रखी है यहाँ पे, तो ये आपको सावधानी यहाँ रखनी होगी, यहाँ दिख रही है, तो ये जाने का रास्ता है। स्थान भी देखते हैं, और बारिश हो रही है तो ऐसा भी होगा, शायद झरना भी चल रहा होगा वहाँ पर पानी का, और कहते हैं कि उससे पानी की एक धारा एविरल रूप से निरंतर बहती रहती है। काफी लोग यहाँ से आ रहे हैं, आप देखेंगे सामने। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रास्ता बिल्कुल जंगल के बीचों बीच है, काफी पथरीला भी, खूब लोग यहाँ से जा रहे हैं, खूब आ रहे हैं, ये है रास्ता जाने का। इस तरफ से झरने का रास्ता बना हुआ है, अब करीबन 200-300 मीटर और है, यहाँ बंदर बहुत हैं। बिल्कुल संकड़ा रास्ता है, और बंदरों की धमाचौकड़ी तो आप देख ही सकते हैं, क्या गजब की है। और ये रास्ता है इधर से, बिल्कुल झरने के किनारे किनारे हल्की संकड़ी सी रोड है। जो थोड़ी बहुत रोड पहले बनी हुई थी वो पूरी टूट के बिखर चुकी है, अब कुछ नहीं है। और ये पहाड़ी है जो दिख रही है आपको, इसके दूसरी साइड है दोस्तों, ये अंतिम पॉइंट बना हुआ है। यहाँ से आप देखेंगे तो ये पहाड़ियों के बीच का ये स्थान है जो सामने आपको दिखाई देगा, तो 100 मीटर 200 मीटर है ज़्यादा से ज़्यादा, तो चलते हैं। बरसात की वजह से ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया है, आप देखिए रास्ता जाने का, बताइए। तो लोग कहते हैं कि मानसून में आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद सिर्फ देखने में आता है, रियलिटी में कोई आनंद नहीं आता है, रियलिटी में होती है परेशानी। दोस्तों ये वही स्थान है जहां भीम ने दोनों पहाड़ियों को तोड़ के अपनी गदा से अलग किया था, और ये जो बड़ा सारा छेद है वो आपको अब भी नज़र आएगा इसके अंदर, और बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा यहाँ पर, यहाँ से पानी की ये धारा निरंतर बहती रहती है। अभी आपको बारिश में दिखाई दे रही है, लेकिन बिना बारिश के भी ये नज़र आती है। ये वो स्थान है, तो अब थोड़ा सा और है तो इससे अपने और चलते हैं ऊपर की ओर, ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से, यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हेलो, हाँ मनीष जी, देख के आगे क्या लिख रहा, क्या लग रहा है? पूरा ऊपर तक पहाड़ी का है, और बारिश हो रही है, बूंदाबांदी चल रही है,
और फोन के कैमरे पे गिर रही है भाई साहब, तो अपने चलते हैं। ये पवित्र स्थान है दोस्तों, ये वाला पांडू पोल। ये नजर जो आपको आ रहा है ये पोल के समान दिखाई देगा, और आप देखिए बिल्कुल आपको पहाड़ जो है वो यहाँ से टूटा हुआ तोड़ा हुआ नजर आएगा आज भी, तो ये बिल्कुल सत्य है। पानी ऊपर से आ रहा है निरंतर, और काफी लोग यहाँ इस सपोर्ट करते हैं। ज्यादा दूरी नहीं है ये, करीबन 1 किलोमीटर ज्यादा से ज्यादा होगा। भीम की गदा से टूटी हुई पोल जिसे आज पांडू पोल के नाम से जाना जाता है, और यही वो स्थान है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान के सरिस्का अभयारण्य के बिल्कुल बीच में। 15 किलोमीटर गेट नंबर 1 से आप चल के आएंगे तब इस स्थान पे आप पहुंचेंगे। और बारिश के मौसम में, बिना बारिश के मौसम में भी ये पानी का जो बहाव है वो अविरल निरंतर चलता रहता है, और ये वही भाग है दोस्तों जिसको भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और 2 भागों में विभाजित कर दिया था। और फिर कहते हैं कि पांडू जो है वो यहाँ से आगे की तरफ गए। पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई थी, आप अपने जिस तरफ से ये इन सीढ़ियों से चढ़ के आएँ, ये सीढ़ियाँ जो हैं वो पहले यहाँ से पूरी ऊपर तक वहाँ तक बनी हुई थी। हालांकि छोटी छोटी सीढ़ियाँ यहाँ अब भी बनी हुई हैं, लेकिन वो अब ये टूट गई हैं साइड की पानी की ज़्यादा बहाव से। दोस्तों इस शिवलिंग का निर्माण स्वयं में पांडव पुत्र भीम के द्वारा किया गया था, जो कि यहाँ पांडु पोल के नीचे की तरफ। अतः आप सभी भक्तों से निवेदन है कि बूढ़े हनुमान जैसे ही यहाँ पांडू पोल से निकलने लगे तो यहाँ जाम लग गया, तो अब निकलना तो दूर है, ऐसा लग रहा है कि करीब 2-3 घंटे समय जो है वो यही है। जहाँ तक आप नज़र डालेंगे लंबी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई, इधर भी आगे तक पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई, और इधर ही पूरा लंबा जाम लग गया। तो अब 2-3 घंटे तक यानी कि शाम तक यहाँ से निकलने का कोई भी चांस नज़र नहीं आता। मंदिर के आगे भी अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, बारिश वैसे ही हो रही है सुबह से। तो मंदिर के बिल्कुल सामने एक निर्मल पानी का कुआं बना हुआ है, ये कुआं है और इसी कुएं से यहाँ पानी आता है, तो आप यहाँ स्नान कर सकते हैं बड़े आराम से। और ये बिल्कुल जस्ट मंदिर के सामने ये मंदिर है। ये है श्री पांडू पोल हनुमान जी का मंदिर, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है। इस मंदिर की कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ी हुई है दोस्तों। यहाँ महाभारत काल की 2 अनोखी घटनाएं जो हैं हुई थी। अज्ञातवास के समय पांडवों ने कुछ समय जो है वो यहाँ गुजारा था इसी मंदिर के किनारे। एक कहानी के अनुसार कहते हैं कि एक बार पांडव पहाड़ी के दूसरी तरफ से इस साइड आ रहे थे, पहाड़ी से इस तरफ आने के लिए रास्ता नहीं था, तो कहते हैं कि भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और पहाड़ी को बीच में से तोड़ दिया, जिसमें आज भी ऐसे बड़ा सा सुराग हो रहा है और उसमें से निरंतर जल की धारा बहती रहती है। फिर कहते हैं कि भीम को खुद पर अभिमान बहुत ज़्यादा हो गया। दूसरी घटना के अनुसार है, जब भीम को खुद पर अभिमान हो गया
तो यहाँ हनुमान जी ने भीम को सबक सिखाने का सोचा। कहते हैं कि हनुमान जी जो हैं वो वृद्ध वानर का रूप लेके और यहाँ पांडवों के रास्ते में बैठ गए, इसी जगह पे, इस स्थान पर। भीम ने वानर से, हनुमान जी से कहा कि आप वृद्ध महाराज उठिए और हमें रास्ता दीजिए। तो इन्होंने, बालाजी ने कहा कि भाई मैं तो बूढ़ा वानर हूँ, मेरे से उठा नहीं जाएगा, आप मेरी पूंछ के ऊपर से चले जाइए। कहा नहीं, मैं पूंछ को लांग कर तो नहीं जाऊँगा। तो कहा कि अगर लांग कर नहीं जाओगे तो आप तो बड़े बलशाली नज़र आ रहे हो, आप खुद ही इसको उठा के दूर रख दीजिए। बोलो ठीक है। तो कहते हैं कि भीम ने उठाने का प्रयास किया लेकिन वो उसको टस से मस से नहीं कर सका। फिर भीम समझ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है और फिर भीम ने हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और भगवान हनुमान जी ने अपना असली रूप दिखाया। फिर भीम ने अपनी गलती जो है वो स्वीकार करी। उसके बाद पांडवों ने द्रौपदी और माता कुंती के साथ यहीं लेटे हुए वृद्ध वानर के रूप में हनुमान जी की पूजा अर्चना की और इस मंदिर का निर्माण करवाया। तो ये जो मंदिर दिखाई दे रहा है ये महाभारत काल से जुड़ा हुआ और आज भी यहाँ हनुमान जी की लेटे हुए प्रतिमा है। दोस्तों ये था पांडुपोल और हनुमान जी का मंदिर, आप सभी ने दर्शन किए। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।